ओके, सो हमने पहला फॉसिल फ्यूल डिस्कस कर लिया, दैट इज कोल। सेकंड फॉसिल फ्यूल इज ऑयल। दिस ऑयल इज नोन एज पेट्रोलियम। व्हाट इज दिस पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज बेसिकली पेट्रा प्लस ओलियम। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, पेट्रा और ओलियम, जिसमें पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। सो पेट्रोलियम इज अ टर्म विच मीन्स रॉक ऑयल। रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स, उन रॉक का ऑयल इज नोन एज पेट्रोलियम। अब नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड रॉक ऑयल? ये रॉक ऑयल क्या चीज है, क्यों होता है, इसे हम समझते हैं। देखिए, अगेन, पेट्रोलियम इज व्हाट? इट्स बेसिकली अ फॉसिल फ्यूल। और हम ये जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। तो पेट्रोलियम बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे। किस तरह से बने हैं इसे हम समझते हैं। क्या आपको ये पता है कि जब अर्थ फॉर्म हुई थी, अर्थ जब फॉर्म हुई तो सिर्फ एक सिंगल बॉडी थी। अर्थ जो पूरी एक फॉर्म हुई थी उसमें लैंड कोई इस तरह से नहीं थी जैसी अभी आपको दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ ऐसी सर्कुलर, सो जस्ट एक लैंड का टुकड़ा था और बाकी पूरा वाटर था। सो दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर। अभी जिस तरह से टुकड़े हो गए हैं अर्थ के, इस तरह से फिनोमिना नहीं था। लैंड में, इस अर्थ में सिर्फ एक ही लैंड थी जहां पे डायनासोर्स रिसाइड करते थे, जहां पे डायनासोर्स रहते थे, और इधर पे पूरा पानी ही पानी था। तो इस पानी के आसपास, इस पानी में अगर हम देखें, तो पानी में छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे और लिविंग बींग्स थे। ये लिविंग बींग्स जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये डेड होते चले गए। प्लांट्स, एनिमल्स और जो फिशेस थी और जो बाकी के लिविंग बींग्स थे, ये सभी डेड होते गए। और जैसे जैसे ये डेड होते गए, इनकी जो रेसिड्यू था, इनकी जो बॉडी थी, वो जमीन में या इस पानी के नीचे जाती गई, नीचे डिपॉजिट होती गई। और जब ये बहुत नीचे चली गई तो रॉक्स के बीच में जो पानी रहता है समुद्र, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे रॉक्स रहते हैं। वो अर्थ की क्रस्ट होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट पे जाके ये लिविंग बींग के रेसिड्यूस डिपॉजिट होते चले गए। धीरे 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 ये डिपॉजिट होते होते डीप इनसाइड द अर्थ, बिल्कुल अंदर की तरफ चले गए, अंदर गए, अंदर और अंदर, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बहुत जमीन के अंदर की तरफ चले गए। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे इस अर्थ की क्रस्ट का शेप चेंज हुआ। और जैसे जैसे ये शेप चेंज हुआ, वैसे वैसे इन रेसिड्यूज पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा। बिकॉज क्या था, ये रॉक्स के बीच में फंस गए थे जा जाके। ये रेसिड्यू ऐसा नहीं था कि सब सिंगल बेड बन गया, ये रॉक्स के बीच में फंस गए। और रॉक्स के बीच में फंसने पे जब रॉक्स के बीच की मूवमेंट हुई, तो उस मूवमेंट से इनको बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला। उस टेम्परेचर और प्रेशर मिलने की वजह से इनमें से ऑयल निकल गया, इस रेसिड्यू में से ऑयल निकलता चला गया, और ये पूरा रेसिड्यू ऑयल के फॉर्म में क्रिएट हो गया, ऑयल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब हम जानते हैं कि ये जो ऑयल बना, ये पानी के अंदर बना, और ऑयल इज अ लाइटर मीडियम देन वाटर। सो क्या होगा, जब पानी के नीचे ऑयल बनेगा तो वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, एंड इट विल ट्राई टू कम अबव द सर्फेस ऑफ वाटर। तो वो ऑयल जो अंदर फॉर्म हुआ था अर्थ की क्रस्ट के अंदर, काफी अंदर, वो धीरे धीरे वापस ऊपर आने की, पानी के ऊपर आने की कोशिश करने लगा। अब जैसे जैसे ये पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे क्या थे, नीचे रॉक्स का बेड बिछा हुआ था। तो जो रॉक्स का बेड था उसके अंदर ये ऑयल के पार्टिकल्स, ऑयल की ड्रॉपलेट्स ट्रैप हो गई अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे। वहां से ऑयल फॉर्म हुआ और वो ऊपर आने लगा, लेकिन बीच में पहले रॉक की जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ के रॉक्स हैं, वो बीच में आ गए। ये ऑयल उन पे आके टकराया और उनके बीच में ट्रैप हो गया। क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी तो ऑयल सरफेस पे नहीं आ सका, वो नीचे की तरफ ही ट्रैप हो गया।
और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही चलती रही, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऑयल के रिजर्व्स इस तरह से फॉर्म हो गए। ऑयल के रिजर्व्स, उस टर्म को हम बोलेंगे ऑयल रिजर्व। सो वी कैन राइट अबाउट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरेट इन डीप इनसाइड अर्थ। देन ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर इफेक्ट दिस रेसिड्यू गेट्स कन्वर्टेड टू ऑयल। ये रेसिड्यू ऑयल में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस रेसिड्यू इज ऑफ लिविंग बींग्स, ये लिविंग बींग्स का रेसिड्यू है, प्लांट्स का, एनिमल्स का। और अभी हमने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स और लिविंग बींग्स बने किस चीज से है। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो इसीलिए जो पेट्रोलियम या जो रॉक ऑयल हमें मिला, दिस रॉक ऑयल कंटेन्स इज मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिस रॉक ऑयल इज बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कॉम्पोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। दिस यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री में इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इतना देख लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होने से जो कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और इसमें मेनली क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, बट लिविंग बींग्स में और दूसरे कंपोनेंट, दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये तीन सब्सटेंस और इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट मेन कंपोनेंट्स आर हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो ये जो ऑयल हमें मिला, दिस ऑयल, ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल रिजर्व इज नोन एज क्रूड ऑयल। तो क्या हुआ, तो ये जो ऑयल हमें मिला था, ये ऑयल बेसिकली क्रूड ऑयल नाम से जाना जाता है। क्रूड ऑयल मतलब, क्रूड मतलब रॉ, ये कच्चा तेल है, इसे कच्चा तेल बोलते हैं। ये ब्लैकिश कलर का होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है और बहुत ही थिक होता है। नाउ दिस थिक ऑयल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसे हम डायरेक्टली तो अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते, डायरेक्टली तो हम नहीं चला सकते, ओके, बिकॉज ये इंजन को जाम कर देगा। ये बहुत थिक होता है, बहुत ही डार्किश कलर का होता है और इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। दिस इज वेरी डर्टी स्मेलिंग, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। हेंस ये जो ऑयल हमें मिला, क्रूड ऑयल, इसको सेपरेट किया जाता है, इसमें इसको रिफाइन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी होती है ऑयल की, आप जानते हैं इंडिया में भी रिफाइनरीज हैं ऑयल की। ऑयल रिफाइनरी क्या करती है, ऑयल रिफाइनरी इस क्रूड ऑयल को यूज करती है और इससे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती है। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। ये एक प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस से हम ऑयल को रिफाइन करते हैं और ऑयल रिफाइन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट्स देता है दे आर, सबसे इंपॉर्टेंट इज गैसोलीन। गैसोलीन इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोल। जो गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं दैट इज टेक्निकली नोन एज गैसोलीन। जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे सो दे डोंट कॉल इट एज पेट्रोल, वो उसे गैसोलीन ही बोलते हैं। ओके, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप तो दे यूज टू से गैसोलीन पंप। ओके, सो गैसोलीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ दिस क्रूड ऑयल। गैसोलीन के बाद हमें मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, जो इंजन ऑयल जिसे हम बोलते हैं दैट इज नोन एज लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये क्या करता है, ये इंजन जब मूव करता है तो उसमें क्या होता है, इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा मूवमेंट होगा इंजन का, तो दो पार्ट्स आपस में टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, हीट पैदा होगी और ये दोनों खराब होंगे। इसलिए अगर इन दोनों के बीच में मैं ऑयल डाल दूं तो ऑयल डालने से क्या होगा, जब ये टकराएंगे तो बहुत ज्यादा हीट पैदा नहीं होगी। इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं जब ये इस तरह से टकराते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। देन थर्ड थिंग जो बनती है दैट इज डीजल। यू नो व्हाट इज डीजल, डीजल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डीजल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डीजल के बाद बनता है फ्यूल ऑयल। ये जो फ्यूल ऑयल फॉर्म होता है दिस इज बेसिकली यूज्ड इन मशीन्स, जो ऑटोमेशन मशीन्स होती हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज में ये फ्यूल ऑयल यूज किया जाता है। सो हमारे जो काम का प्रोडक्ट है दैट इज गैसोलीन, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वैक्स, पैराफिन वैक्स होता है, एस्फाल्ट होता है, और ये अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सो हमारा काम सिर्फ इन चार प्रोडक्ट से ही है। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस एक इस तरह की प्रोसेस है कि जहां पे मुझे ये पता है कि क्रूड ऑयल में ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स से हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई से कि अगर ए और बी सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स है, आई एम सेइंग कि ए और बी सब्सटेंस क्या है, एक दूसरे में मिक्स है, मैंने इनको पहले गर्म किया अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मैंने इनको गर्म किया। अब 100 डिग्री कैसे माना, लेट्स से हम कहते हैं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज वो इज द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कन्वर्ट्स टू स्टीम और वेपर। अब सब्सटेंस कन्वर्ट्स टू गैशियस फॉर्म। जैसे कि आपने पानी को गर्म किया तो पानी का हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब आप पानी को उबाल रहे हो, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अचीव होगा वैसे ही स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। ओके, स्टीम और वेपर्स और गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पानी की जगह पेंट को उबालो तो हो सकता है कि पेंट को और ज्यादा समय लगे उबलने में, और पेंट की जगह अल्कोहल को उबालो तो उसको हो सकता है और ज्यादा समय लगे, या जो खाने का तेल होता है उसको उबालो। सो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, अलग अलग लिक्विड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री और बी का है 20 डिग्री। इट मींस बी जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होते से ही क्या होगा, बॉइल होना शुरू हो जाएगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ए जो है वो 60 डिग्री पे बॉइल होगा, मतलब जब तक 60 डिग्री अचीव नहीं होगा तब तक ये बॉइल नहीं होने वाला। तो मैंने इन दोनों को 100 डिग्री पे बॉइल करा, मैंने इनको 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। अब 100 डिग्री पे ए जो होगा वो गैशियस फॉर्म में होगा और बी भी गैशियस फॉर्म में होगा। ओके, फिर मैंने इन दोनों को पास कराया एक ऐसी ट्यूब से, कुछ इस तरह की ट्यूब ली और उसमें से इन दोनों को पास कराया।
और यहाँ पे मैंने एक इस तरह से नॉब बना दिया। ऐसा नॉब बना दिया। फिर मैंने इतने पोर्शन के टेम्परेचर को चेंज किया। ये ए बी का जो मिक्सचर है वो यहाँ से इस तरह से आ रहा होगा, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इतने पोर्शन के टेम्परेचर को चेंज करके लेट से कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने इतने पोर्शन के टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तब क्या होगा? जो ये मिक्सचर इस तरह से आ रहा है, अब ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60 डिग्री। मतलब जब तक ए 60 डिग्री के टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहने वाला है। तो जरा सोचिए कि अगर ए और बी का मिक्सचर 100 डिग्री से पास होते होते यहां आता है और यहां इसको टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, तब क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ए जो फॉर्म है, जो ए सब्सटेंस है, वो 60 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 30 है। सो यहाँ पे ए सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, वो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। आपने देखा है, आप पानी को बॉयल करते हो, 100 डिग्री अचीव होते भाप बनती। आप भाप को ऊपर अगर एक ऐसा थाली लगा दो, एक प्लेट लगा दो, तो भाप उस पर टकरा के वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती। क्यों? बिकॉज 100 डिग्री से बन के भाप उठी, जो स्टीम है वेपर, और उठ के जब आपने उसको थाली पे या प्लेट पे कलेक्ट किया, तब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। ये दोनों मिक्सचर यहाँ पे आए और यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर दिया मैंने, और टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ? ए कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अगर ए लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ए यहाँ से बाहर आ जाएगा, लेकिन बी क्या है? अभी भी गैशियस फॉर्म में है, बिकॉज ये 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैंने बी को आगे पास कर दिया। तो यहां से जब मैं इसको देखूंगा, तो यहां से मुझे ए लिक्विड के फॉर्म में निकलता हुआ दिखाई देगा, और यहां से बी लिक्विड के फॉर्म में निकलता हुआ, लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मैं ए और बी को सेपरेट आउट कर सकता हूं। और ये जो प्रोसेस हमने की, ये प्रोसेस करी हमने नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसी प्रोसेस को अगर हम अप्लाई करें, इसी प्रोसेस की मदद से, यूजिंग दिस प्रोसेस, हम इस क्रूड ऑयल का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से ये होता है। इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा सारा टैंक होता है, इट्स वेरी ह्यूज, बहुत लंबे टावर जैसा टैंक होता है। इस टैंक में यहां से एक इस तरह से पाइप लगी रहती है। ओके, दिस इज एंट्री, ये एंट्री के लिए एक पाइप लगी रहती है, और यहां पे कुछ इस तरह से इस टैंक के अंदर, इस टावर के अंदर अलग अलग फॉर्म में प्लेट्स लगी हुई होती है, प्लेट्स और ट्रे। इस तरह की ट्रेज और प्लेट्स यहां पे लगी हुई होती हैं, और इन प्लेट्स के बीच में होल होते हैं। कुछ इस तरह से इनके बीच में होल होते हैं। देन लेट्स से इस क्रूड ऑयल का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बताऊं, तो क्रूड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप इसको हीट कर देंगे, तो ये अपने आप गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ तो हम क्या करते हैं, हम इस क्रूड ऑयल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। इसको हीट करके इस पाइप से
अंदर की तरफ पहुंचाते हैं। तो यहां पे कितना टेम्परेचर हो गया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो दिस इज अ मिक्सचर, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इन सभी एलिमेंट्स का, इन सभी कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट 500। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो दिस गैसोलीन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ समवेयर अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस लुब्रिकेटिंग ऑयल हैज अराउंड सम 150 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस डीजल हैज अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस फ्यूल ऑयल हैज अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहां से जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमने क्रूड ऑयल की गैस को अंदर छोड़ा, और यहां पे जो रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स के मैंने टेम्परेचर अलग अलग कर दिए। ये एक मैकेनिज्म होता है, टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी टावर है जिसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इट मींस जैसे यहां पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे मैंने टेम्परेचर को रखा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर वाली प्लेट पे आए तो यहां पे मैंने टेम्परेचर को कर दिया समवेयर अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे आए तो मैंने टेम्परेचर को कर दिया लेट से समवेयर अराउंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर दिस इज अनदर आउटलेट, और एक यहां से ऐसा आउटलेट छोड़ दिया। अब ये जो अलग अलग सेक्शंस हमने बनाए हैं 200 डिग्री, 140 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी में भी मैंने आउटलेट बना दिए कुछ इस तरह से, इस तरह से आउटलेट्स इसमें फॉर्म कर दिए। तो क्या होगा, इन आउटलेट्स फॉर्म होने की वजह से हम कहेंगे ये जो आउटलेट्स आपने बनाए, अब जैसे ही गैसोलीन और सॉरी क्रूड ऑयल इसके अंदर से एंटर करते हुए ऊपर की तरफ मूव करेगा, नाउ दिस इज इन गैस फॉर्म, तो गैस फॉर्म होने की वजह से ये इन होल्स से बाहर निकल जाएगा। होल्स से जैसे ही ऊपर आएगा, यहां पे इसको टेम्परेचर कितना मिला, यहां पे टेम्परेचर 500 था लेकिन यहां पे टेम्परेचर कितना हो गया, 200। ओके, अगर टेम्परेचर 200 हो गया या 200 से थोड़ा सा कम हो गया तो कौन सी चीज लिक्विफाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि जो फ्यूल ऑयल है इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तब जाके ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को 200 या थोड़ा उससे नीचे रख दिया तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर यहां से ऊपर जा रहा है, दिस मिक्सचर कंटेन ऑल दीज फोर कंपोनेंट्स, और बिकॉज दिस इज एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही ये ऊपर गया तो इस होल से पास होने के बाद यहां पे यू विल फाइंड कि आपको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में एक सब्सटेंस मिल जाएगा जो कि यहां से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, एंड दिस सब्सटेंस विल बी फ्यूल ऑयल, बिकॉज फ्यूल ऑयल कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि अब वो गैसियस फॉर्म में नहीं रहा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जो था वो 500 नहीं रहा, 500 से वो कितना हो गया, 200। लेकिन बाकी के सब्सटेंस क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत कम टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, इसीलिए बाकी का जो कंपोनेंट्स है वो ऐसे कैसे ऊपर मूव करने लगेंगे। तो इट मींस जब इस होल से क्रूड ऑयल पास हो रहा था या गैस पास हो रही थी तो उसमें चारों कंपोनेंट्स थे, लेकिन जब इस होल से ये गैस पास होगी तब क्या होगा, तब फ्यूल ऑयल तो निकल चुका है, तो बचे कौन से कंपोनेंट्स, गैसोलीन, लुब्रिकेटिंग और डीजल। डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन, ये तीनों चीजें यहां से पास होंगी, लेकिन फिर यहां पे हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए बॉइल होने के लिए, तो यहां पे टेम्परेचर 140 है। इट मींस लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, तो यहां पे आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा और यहां से आप इसे बाहर निकाल पाएंगे। हेंस
इस पॉइंट पे हमें मिलेगा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। देन और ऊपर गए तो यहां से अब गैस जो निकल रही है इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स बचे हैं, वन इज डीजल ऑयल एंड अदर इज गैसोलीन। तो यहां से जैसे ही गैस ऊपर निकलेगी, हमने देखा टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, डीजल को कितना टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री, तो डीजल तो बॉइल होगा 100 डिग्री पे, मतलब अगर 90 डिग्री टेम्परेचर है तो डीजल क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और डीजल अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे आपको डीजल इस तरह से पड़ा हुआ मिल जाएगा, और डीजल आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं, सो यू विल गेट डीजल हियर। और फिर सबसे ऊपर कौन सी चीज बची, सबसे ऊपर बचा गैसोलीन। तो इस आउटलेट से, फ्रॉम दिस आउटलेट, इस आउटलेट से हमें गैसोलीन फॉर्म होता हुआ, गैसोलीन वेपर के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। देन उसका टेम्परेचर कम करके हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, एंड दिस गैसोलीन इज यूज्ड एज पेट्रोल, ये पेट्रोल की तरह यूज होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं क्रूड ऑयल में, पैराफिन वैक्स है जैसा हमने कहा, एस्फाल्ट है, देन केरोसिन है, ये सभी कंपोनेंट्स हैं, और हर एक कंपोनेंट के लिए इस तरह से अलग अलग चैम्बर्स बनाए जाते हैं। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इजी नहीं होती, इंडस्ट्री लेवल पे इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है इसे बनाने में। सो कुछ इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम पेट्रोल को फाइनली निकालते हैं। और क्रूड ऑयल के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं क्रूड ऑयल ले रहा हूं तो टोटल क्रूड ऑयल में से सिर्फ 20-30% ही गैसोलीन मिलता है, सिर्फ 20-30% गैसोलीन देता है क्रूड ऑयल, और बाकी सब ये प्रोडक्ट देता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है क्रूड ऑयल में से, पेट्रोल या गैसोलीन और डीजल, डीजल और पेट्रोल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो इसीलिए इनकी मात्रा बहुत कम मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्दर लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल ऑयल जो चीजें होती हैं इनका वापस से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और उसकी मदद से वापस से और पेट्रोल और डीजल निकालने की कोशिश करते हैं। बट दैट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो इतने काम की नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट दिस प्रोसेस एंड दिस थ्योरी, सिर्फ हमें ये जानने की आवश्यकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम और रॉक ऑयल, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन नोट दिस एंड वी विल स्टडी नेक्स्ट।